खुशी होनी चाहिए कि आज त्रय भाई किशन तेरा बात बढ़ने के लिए आया है, तुझे खुशी होनी चाहिए, मेरा आरता करना चाहिए, मेरे नाम के मंगल गीत गाने चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, तू गुस्से से भरी हुई है, तेरी नाक जो दिख रही है बिल्कुल आसमान में चढ़ती हुई दिख रही है। आखिर क्या बात है, गुस्से में कैसे है ये बता। इस ब्याह से खुश नहीं हूं मैं। क्या कहा? ना तो मुझे इस ब्याह की खुशी है और ना ही मुझे इस बात की खुशी है कि स्वयं त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण भगवान वो घनश्याम मेरा भात देने के लिए आया है। इसका मतलब तुझे खुशी नहीं है कि तेरा भाई यहाँ पर भात देने के लिए आया है? नहीं, मुझे नहीं है खुशी। तेरी जैसी बहन को तो डूब करके मर जाना चाहिए। मैं क्यों मर जाऊँ? तू मर जा, डूब के तू मर जा। यहाँ क्यों आया है तू? भात देने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे ना चाहिए तेरा भात। लेकिन मैं भात दे के जाऊँगा। लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं तेरा भात। मैं दे के जाऊँगा। चला जाए यहाँ से। क्यों? चला जाए यहाँ से। क्यों? क्योंकि इस पटड़े के ऊपर पैर रखने का अधिकार तुम खो चुके हो। नहीं, मैंने कोई अधिकार नहीं खोया है। और अगर फिर भी कोई गिल्ला सिकुआ है तो मुझे कह सकती। यानी तू सोचते है, तू ये चाहता है और ये सोच कर आया है कि मैं तेरे नाम के मंगल गीत गाऊं। मेरा आरता कर। आरता उतारू तेरा? हाँ, आरता उतार तू मेरा। लड्डू खाएगा तू? हाँ, लड्डू खाऊंगा मैं। सुन मेरी बात। कह। सुन। और पटड़े ऊपर है और पैर धड़ने। और मत नंद लाल उठिए। भाई ये लगे श्री कृष्ण भगवान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तो सुनने के बाद मैं ताली चाहूंगा। हाँ। ये कह रही है कि पटड़े ऊपर पैर धरने मत नंद लाल उठाइए। हाँ, कर लेकिन हाँ। मेरी बात भी सुने द्रौपदी। कहिए। तेरा बात देने ने तेरा खड़ा। ओ हो हो, तू मत बेबे धम कहिए। अरे तू के जाने भाई, तू के जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से। दर्शन हो जा, दर्शन हो जा दोनों के, वो समय चैन का हो से। दिखे के भाई का, के भाई का फर्ज समय पे दुख देवने का हो से। ना भाई का क्या, ना भाई का फर्ज बहन ते और अलग रहन का हो से। ना भाई का दुख से अलग रहन का हो से। कृष्ण कहां निभाया था रे हेरे, अरे कृष्ण कहां निभाया था, तू अपना फर्ज बताइए। हे बहन द्रौपदी। हाँ कन्हैया। तो तेरे मेरे वो एहसान भी याद नहीं रहे? एहसान? मैंने कोई फर्ज नहीं निभाया। कौन सा एहसान, कौन सा फर्ज निभाया बता? कोई फर्ज नहीं निभाया। कोई फर्ज नहीं निभाया तूने? बताऊं? हाँ बताइए। तेरा चीर द्रौपदी। ओहो, चीर द्रौपदी। अच्छा, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया मेरा बद एहसान भुलाइए। Oh,
उस समय को याद कर द्रौपदी। कौन सा समय? तू कहती है कि मैंने अपने भाई वाला कोई फर्ज नहीं निभाया। कोई फर्ज नहीं निभाया? उस समय को याद कर। हाँ। जिस समय वो दुशासन तेरे चीर को खेच रहा था, तेने मेरे नाम की एक टेर लगाई थी, एक आवाज लगाई थी, तेरी एक आवाज के ऊपर ये तेरा भाई आकर के खड़ा हो गया। ओ हेलो, इधर देख मेरी तरफ। एक बार ताली मार के बता दो साहब, सही कह रहा हूँ तो? श्री कृष्ण भगवान इस द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, एहसान बता रहा है इस बात का? एहसान नहीं, मैं अपने फर्ज गिना रहा। अगर एहसानों की बातें करता है ना, तो याद कर ले ओ कालिए, मैंने भी बहुत एहसान बना रखे तेरे ऊपर, ऐसे ऐसे एहसान चढ़ा रखे, याद कर मेरे एक एक एहसान। तूने मेरे ऊपर एहसान चढ़ा रखे? क्यों, मेरे एहसान भूल गया तू? सुनियो रे, द्रौपदी ने मेरे ऊपर एहसान चढ़ा रखे है, लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। तुझे याद होना हो, तुझे याद नहीं है मेरे एहसान? नहीं। सुन, बता, मैं याद करवाती हूँ, बता, सुन ले जरा। दिखे था कौन सारा है था कौन सा एहसान तने, है था कौन सा एहसान तने, यो चढ़ा चढ़ाया तारा। कौन सा तने, कौन सा तने, कौन सा तने चढ़ा रखा, वो भेद खोल दे सारा। मारा था जब मारा था, अरे मारा था शिशुपाल तेरा, वहां चक्कर लग गया तुम्हारा। जान गया, जान गया, जान गया, मैं जान गया, क्या? मैं जान गया, तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। ओ जान गया, तने पट्टी बांधी रुकी खून की धारा। अरे वचन दिए एहसान बता रहा हे रे 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 रे, अरे वचन दिए एहसान बता रहा, चलो यहाँ से जाइए, चला जाए यहाँ से, निकल निकल, मैं चला जाऊंगा, चोर, मैं चला जाऊंगा, तू जा यहां से, उंगली नीचे करके बात कर, नाचिए तेरा भात, चला जाऊंगा मैं, हाँ जा निकल, जा रहा हूँ, जा, सोच ले, सोच लिया, कमेटी वालों, हाँ, आऊंगा नहीं फिर, आना, जा रहा हूँ मैं, जा, ओ गांव वालों आ रहा हूँ मैं, तुझे मेरे भात की जरूरत नहीं है, मने को नहीं जरूरत तेरी, जो मांगेगी, क्या? जो मांगेगी, अच्छा? जो मांगेगी दे दूंगा, पर असल रूप में आइए है, अरे जो मांगेगी दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। अभी मांगने खाने का काम नहीं छोड़ रहा, मतलब है? किसने मांगा है? किसी ने नहीं मांगा, दोनों हाथ खाली है। हाँ। देख सकती है तेरे दोनों साइड जेब भर रही है, मैंने दिखगी तो क्या करूं, बात में भाई पैसा की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ देखो कितने पैसे लेके आवेगा तू। मुझे पता है तेरी नीयत बहुत ज्यादा खराब है द्रौपदी। अच्छा मेरी खराब है? घबरावे मत ना, मैं मानता हूँ 200-400 रुपए मेरी जेब में है। हाँ। तू चाहती है कि करोड़ दो करोड़ तेरे भाई तेरे भात में दे करके जाए? अरे ना तो मेरे पास करोड़ दो करोड़ होंगे और ना तू भात लेगी। लेना लेना है तो इनमें सबर कर ले। मतलब कि पैसे का भात देना चाहता है तू? अरे पैसे का नहीं, और क्या लेगी? कनी मणि देना चाहता है तू भात में? कनी मणि, हीरे मोती, पन्ने जवाहरात, जो तू मांगेगी, पैसा मांगेगी पैसा ले ले, हीरे मोती मांगेगी हीरे मोती ले ले, और तू कहे तो तुझे सोना चांदी में तोल दूंगा। अच्छा। लेकिन एक बार बता दे तू चाहती क्या है? लेकिन मुझे नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती पन्ना जवाहरात। और क्या चाहिए तुझे? मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसा, तू ही ले ले इनमें। और क्या लेगी? मुझे तो कुछ और चाहिए कन्हैया। और क्या चाहिए बता? सुन क्या चाहिए,
पहले जैसा, तुमके पहले जैसा रूप किया, हाय पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले। भाई मुझे आवाज कम आ रही है, अच्छी लगे समझ में आए तो ताली बजा दियो, बस निवेदन यही है। दोबारा कह के बता। हाय पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा कोना ज्यादा कोना टाइम तू पूरे मेरे हुए सवाल देख ले। अरे जान गई मैं तो जान गई, दिखे जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। अरे घाटे में, अरे घाटे में, बोला घाटे में लोगों घाटे में रह जागी बात की, तू तो करके ताल देख ले। चाहिए धनमाल देख ले, रे 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 रे। अरे ना चाहिए धनमाल देख ले, मत पाछे पछताइए। तुझे धनमाल भी नहीं चाहिए ना, ये धनमाया नहीं चाहिए ना, चाहिए ये पैसे नहीं चाहिए ना, चाहिए तो फिर मेरा दिमाग खराब है जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। वही घेरिया जिनके लिए है ना, घेरू तो ना, ना ना यहाँ दे दो। साप साप, अरे साप साप के, साप साप कहते बहना बात कौन सा चाहिए हो, साफ साफ है ते बहना जो बात कौन सा चाहिए हो, हो 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 आ आ आ आ। जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री महावीर साहब का, जो कि 1000 रुपए का पुरस्कार इन्होंने दिया है। एक बार ताली मार दे, जोरदार ताली। लेकिन मेरा निवेदन है ठेकेदार साहब, 1000 रुपए में आजकल कुत्ती का जापा भी नहीं निकलता है, लेकिन भात कैसे दिया जाएगा आप ही बताओ। सुन मेरी बात, ये भी भात में हाथ बटा रहे हैं श्री राकेश, आदरणीय श्री राकेश लाल दास परमंद राम जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। सजनों तीन कली किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, निचोड़ चौथी कली के अंदर दिया है। थारी बात अच्छी लगे समझ में आता है, थारे पल्ले पड़ जाए तो भाई सुन के ताली मार दियो। क्या लिखा, कैसे भरा, क्या चाहिए मुझे? एक बार मुंह से कह दे कि तू चाहती क्या है। मुंह से भी कहूंगी और तुझे सुनाऊंगी भी। एक बार मुंह से ये कह दे कि भैया मैं ये चाहती हूँ, अच्छा। जो तू चाहेगी वो तेरे कदमों में ला करके रख दूंगा। दुनिया की कोई भी तमाम चीज मांग ले तेरे कदमों में ला करके दूंगा। सुन मेरी बात, हाँ। ये जो तेरे साथ बात ही आई है ना, जितने बैठे हैं, हाँ। अरे जितने गाँव वासी बैठे हैं, जितने भी गाँव के लोग बैठे हैं, सारे सुन रहे हैं भाई, तुम सब सुन लो। इन सबके सामने ये द्रौपदी ऐलान करती है कन्हैया कि कृष्ण भगवान के बस की नहीं है भात देना जो द्रौपदी चाहती है। तुम सारे सुन रहे हो भाई, द्रौपदी की बस की नहीं है कि कृष्ण भगवान का भात लेना। ओहो हो, तेरी बहम है, तेरा भी बहम है, तू बहम में पागल है कन्हैया, बहम में पागल बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले अपने कान खोल, काले मुंह की और जा, अपना अपने कान खोल। अरे मुझे क्या चाहिए वो सुन जरा, सुनिए इस कन्हैया। दिख तीन वचन, भाई तीन वचन, हाय तीन वचन,
भर दे छलिया है तीन वचन भर दे छलिया ना मांगो हीरे मोती। मेरा एक वचन पहले दे दे मुझे एक वचन पहले दे दे ना छोटू बाण फिर मोती। भर दोनों ने वचन दिए फिर खड़ी भांत पे रोती। तेरा मेरा दोष नहीं यो समय सराने होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये सब सराने होती। 18 क्षणी दल का पियो हे रे 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 18 क्षणी दल का पियो 18 क्षणी दल का पियो मन भैया खून पिलाइए। ए दोपी लो ये कोई भात लेने का तरीका है तेरा? क्या हो गया भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। श्री रामदयाल सरपंच साहब सिहू उनका धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपए दे रहे हे बहन द्रौपदी। हाँ कन्हैया। तुझे नहीं पता क्या 18 क्षणी दल किसे कहा जाता है? अच्छा मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तू यहाँ भात देने आया है लेने आया है? मैं भात देने के लिए आया तो तेरे भात दे और जो मांगा है भात में वो ही दे करके जाएगा और मना नहीं कर सकता तू बिल्कुल भी। गुरुजी क्या मांगा है तेने? 18 क्षणी दल का खून चाहती हूँ मैं। शायद तुझे नहीं पता कि 18 क्षणी दल क्या चीज होती है। क्या चीज होती है? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता तो तूने मांग कैसे लिए? ऐसे ही मांग लिया। मेरा मन किया मांग लिया तो मेरा भी मन है मैं नहीं दूंगा। हेलो नू नहीं कर सकता तू मेरे साथ। वचन दिए तूने वचन पूरे कर कन्हैया। तो ये सुन ले के 18 क्षणी दल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इधर देख गुरुजी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छा और वहां से लेकर के वहां तक वहां से लेकर के वहां तक अच्छा वहां से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के वहां तक और जितनी भी ये दासी बांदियां दिख रही है अच्छा ये सारी की सारी तेरे 18 क्षणी दल में आती। सारे 18 क्षणी दल में आते हैं? सारे के सारे 18 क्षणी दल में आते हैं। मतलब ये जो पीछे की तरफ गधे घोड़े खच्चर खड़े हैं ये भी 18 क्षणी दल में आते हैं। अच्छा हाँ मतलब ये सारे मरेंगे ये सारे के सारे मरेंगे ये सारे में ये भी मरेंगी सारी सारी मरेगी सारी सुने सारी की सारी मरेंगे वो साफे वाला सबसे पहले मरेगा। अच्छा हाँ मर जान दे। हाँ मर जान दू मर जान दे। अरे ये दासी बांदिया जो बैठी है इनने भी मर जान दे। तेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे। लेकिन बहन द्रौपदी जो तेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है। क्या? कि जिन्हें तू जी जान से ज्यादा प्यार करा करती है जो हर समय तेरी रक्षा करा करते हैं अरे ये तेरे पांचों पांडव ये भी नहीं बचेंगे। नहीं है? ये पानी वाला भी मरेगा सोच लिए बेटा पक्का मरेगा पक्का सोच ले। मर जाने अगर टाइम खराब है साफे वाले बाबा 100 रुपया दे रहे इनने पकड़ दो। रिश्वत नहीं चलती उसके आगे रिश्वत नहीं चलती मरेगा जरूर सोच ली। और सुन जिसने पैसे दिए ना उनको छोड़ दियो बेशक जो तेरे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा करते हैं। कौन? जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करती है द्रौपदी। ये तेरे पांचों पांडव भी नहीं बचेंगे। इनमें से कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा तबाह हो जाएगा सब कुछ तबाह हो जाएगा। भाई परमातो रुक जा सांस ले। पांचों पांडव भी मरेंगे? तेरे पांचों पांडव भी मरेंगे पक्की बात है? पक्की बात है मर जाएंगे। पांचों पांडव भी मर जाओ मर जाएंगे। लेकिन बहन द्रौपदी हाँ तेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है जो अहम की बात है सुन लियो दांत पाड़ने वालों हंसने वालों नंबर 18 भी आएगा एक दिन सोच लियो। हाँ सुन लो रे सुन लो। तेरे लिए जो बड़े हर्ष की बात है बड़े दुख की बात है अच्छा वो ये है। क्या? जो हमेशा तेरे लिए तत्पर खड़ा रहा करता है तेरे लिए जान तक देने को तैयार रहा करता है तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहा करता है। कौन है वो? ओ बहन द्रौपदी हाँ। तेरा ये भाई कृष्ण भी नहीं बचेगा है? मैं भी नहीं बचूंगा। तू भी मरेगा? सच्ची? मैं भी मरूंगा। पक्की? देख लिया मर जा मर जा। मैं भी मर जाऊं? तू मर जा अभी मर जा अभी मर जा। पर पहले भात दे के मरिए पहले भात दे फिर मर जाइए बेशक। लोगों यदि ये लगे भाई एक वचन जो श्री कृष्ण भगवान ने लिया था
दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और एक वचन के कारण अपने आप को और पांचों पांडवों को बचा लिया। तो मेरी लाइन सुनने के बाद ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। कह दे अठारह सोने दल का पियो मने भैया खून पिलाइए। और तेरी फ्रोती का पता नहीं था, तेरी फ्रोती का पता नहीं था, मारी चोट को ढाली। दुरते रीत चली आई ना फिरोती लई निराली। अरे तुम छयो के, तुम छयो के, तुम छयो के बिना कन्हैया, तुम छयो के बिना कन्हैया यो खप्पर रह जा खाली। बोलिया कलयुग में और कलयुग में, बोलिया कलयुग में, बोलिया कलयुग में परवा दूंगा तू सबर राख पंचाली। कलयुग में कृष्ण बाजे किरण घड़के, अरे कृष्ण बाजे किरण घड़के नित भारत में गई।